चाहने वालों, आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम आए हैं एक ऐसी जगह जिसके लिए मैं इतना एक्साइटेड था कि मैं डायरेक्ट लोकेशन पे आके ही शूट कर रहा हूँ। आज घर से कोई पार्ट नहीं बनाया, तो कैमरामैन जी जरा दिखाओ। आज हम आए पिज्जा जॉइंट बिगीज पिज्जा, जो हमारे मुजफ्फरनगर मेरठ में बहुत पॉपुलर है और ये एक फ्रेंचाइजी ही है। तो अभी थोड़ा इस काम में न्यू है, लेकिन मेरे को इनके पिज्जा बहुत पसंद है, क्योंकि जो मेरा नाना का घर है वहाँ के पास ही बिगीज था और वहाँ जाके मैंने ये पहली बार टेस्ट किया था। तब से जब ये मुजफ्फरनगर में खुला तो मैं बहुत खुश हुआ कि बिगीज आ गया हमारे शहर में। और वो मैं क्यों हुआ, आइए आपको अंदर चल के दिखाता हूँ, कुछ बात करेंगे, कुछ ऑर्डर करेंगे, तो आइए चलते हैं। मैंने आप सभी को बताया आज हम आए हैं बिगीज पिज्जा, जो एक इटालियन सर्विंग रेस्टोरेंट है और मैं कहूँ बेसिकली फ्रेंचाइजी पिज्जा जॉइंट भी है। तो आज हमारे साथ हैं इनके मैनेजर इस ब्रांच के आसिफ जी। हाँ, इन्होंने मैं इनको पहले से जानता हूँ क्योंकि मैं रेगुलर कस्टमर हूँ एक तरीके से। आसिफ जी हमारे साथ, तो आसिफ जी आप बताना चाहेंगे कि इसकी टाइमिंग्स क्या है शॉप की? टाइमिंग्स हमारी मॉर्निंग 10 to 11 PM। तो बहुत ही वास्ट टाइम रेंज है, क्रॉस 12 आवर्स है, यानी बहुत मेहनत करते हैं, 12 घंटे से भी ज़्यादा सर्व करते हैं। तो इसकी लोकेशन क्या होगी? लोकेशन ये हमारी सर्कुलर रोड साउथ सिविल लाइन, सर्कुलर रोड सिविल लाइन, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, और यहीं पे ही सिचुएटेड है। और आप जल्दी से जल्दी आए, मुजफ्फरनगर में एकलौता आउटलेट है ये बिगीज का, है ना? नहीं, हमारे एक और आउटलेट है ऊपर रोड। अच्छा, एक और आउटलेट है, तो ये तो और भी अच्छी बात है। बिगीज के दो आउटलेट है मुजफ्फरनगर में, मेरे को तो एक ही पता था। तो वो कहाँ पे है? ये हमारा साउथ भोपा रोड पे, साउथ भोपा रोड, तो वो साउथ भोपा रोड पे है। हम आपको उसका दोनों का लिंक डाल देंगे, और आप मेरे को बता सकते हैं यहाँ पे जोमेटो से की जरूरत है? जोमेटो स्विगी दोनों पे है। और मैंने अभी एक और चीज़ नोटिस की, वहाँ पे साइड में देख सकते हैं ये फ्रेश केक्स भी हमने खुद सर्व करते हैं, साथ में पेस्ट्री। तो अगर आपका बर्थडे, एनिवर्सरी, कोई भी हैप्पी ओकेजन है, आप आगे सेलिब्रेट कर सकते हैं, क्योंकि डेकोर के मैं आपको डाल के दिखाऊंगा सिनेमेटिक शॉट्स, बहुत ही प्यारा डेकोर है अंदर का। और आपकी बेस्ट सेलिंग आइटम्स क्या क्या है? बेस्ट सेलिंग आइटम है पिज्जाज है। अच्छा, कोई यूनिक पिज्जा हो? यूनिक पिज्जा है हमारे, मखनी बनी है जी, बेस्ट सेलिंग है। तो रोल्स हैं ओके, और साइड्स वगैरह में? साइड्स में बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, चेज वगैरह, गार्लिक ब्रेड जो मस्त है जी। हाँ, तो आइए अब चलते हैं और सब चीज़ें ट्राई करते हैं। वो ये यहाँ पे हमारा फर्स्ट आइटम लगने जा रहा है, इनका मखनी पनीर पिज्ज़ा। ये मखनी सॉस है या पास्ता पिज्ज़ा सॉस है? ये मखनी सॉस रहती है, ये मखनी सॉस है जी। तो ये और इनका जो बेस है, ये आप देख रहे हो, क्योंकि फर्मेंट को थोड़ा टाइम लगता है फर्मेंट होने का ईस्ट को, तो इसलिए ऑलरेडी बना के रखते हैं। हर 3 घंटे में नया बैच रेडी होता है। क्या डाले भी रहती है ये हमारी? तो मतलब चीज़ें, दो तरह की चीज़ यूज करते हैं ये चीज़ ब्लेंड का, एक लिक्विड रहता है और एक हमारा रहता है प्रोसेस चीज़ जो है जी। तो देख सकते हैं, ये अरेंज कर रहे हैं, साथ में अनियंस आ गए हैं इसमें पिज्ज़ा में, अनियन एंड कैप्सिकम रहेगा। हाँ, मखनी पनीर है ना जी? मखनी पनीर टोटल जो मखनी, हाँ हाँ, तो ऐसे ही जो उसकी सब्जी में होता है पनीर मखनी। हाँ बिल्कुल, वही फ्लेवर जैसे आप एक सब्जी में पनीर मखनी कुछ खा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, ग्रेवी वाला। अब इसमें ये पनीर डाल रहे हैं, तो ये मैरिनेटेड पनीर है? हाँ, ये मैरिनेटेड पनीर रहता है, ये हमारा मखनी सॉस में मैरिनेटेड रहता है, यानी फ्लेवर्स में कहीं नहीं चूक रहे हो। जो रहेगा आपका पनीर में हर एक चीज़ फ्लेवर। हाँ जी जी, फ्लेवर्स में कहीं नहीं चूक रहे हो आप। अब इसमें पिज्जा लोड कर रहे हैं, ये रेडी हो गया है, अब इसे अवन में ढंग से चला गया, अब ये बेक होएगा। कितना टाइम लगता है? ढाई मिनट। 250 बर्गर लग रहा है हमारा, तो बर्गर पे पहले बटर लगाया गया है और नीचे पैन में भी, जिससे दोनों तरफ से क्रिस्पी हो जाएगा। अब ये क्या लगा रहे हो? पिज्जा सॉस। ये पिज्जा सॉस, क्योंकि भाई पिज्जा बर्गर है तो पिज्जा सॉस तो जरूर आई है। अब इसमें कॉर्न्स आ गए हैं, और ये अब चीज आ रहा है वहां से, प्रोसेस चीज में से, बिल्कुल अच्छे से एकदम लोडेड। और अब ये अच्छा, दोनों स्लाइसेस पे चीज आता है, और ये अब अवन में जाएगा। ये भी ये चला गया, कितना लोडेड लग रहा है और सुंदर लग रहा है। इसमें कितना टाइम लगता है? इसमें टाइम सबकी सेम है। अच्छा, 2.5 से 3 मिनट। तो
तो बहुत ही फास्ट सर्विंग है जैसा होना चाहिए। अब नेक्स्ट आइटम लगवा सकते हैं। गार्लिक ब्रेड लग रही है, सो सेम ही बेस यूज होता है। साथ में इसमें ये स्टफिंग आ गई है। ये किस चीज की स्टफिंग है? स्पाइसी मशरूम्स की। ये मशरूम्स और चिली पेपर्स की में कॉर्न्स भी आ गए हैं, पूरा लोडेड है। चीज ब्लेंड आ गया है, साथ में और चीज आ गया है। मतलब चीज की तो कमी नहीं है भाई, पिज्जा गार्लिक ब्रेड में चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। ये साथ में इसमें ओरिगेनो आ गया है, ये हमारा स्पेशल ओरिगेनो सीजनिंग स्पेशल स्पेशल। हाँ ये आ गया है, ये इसे अब फोल्ड कर दिया है, अच्छे से बंद कर दिया है। इसमें ऊपर से बटर लगा रहे हैं, इसमें हम कट्स लगा रहे हैं जिससे ये जब प्रूफ हो जाएगा तब रेडी करने में आसानी होगी। और ये साइड से अच्छे से टक इन कर दिया है। अब ये भी अवन में जाएगा एक और बार, ओरिगेनो सीजनिंग आ गया और ये गया अवन में एक और बार। तो अब चलते हैं, अब अगला आइटम लगवाते हैं। तीन में से दो आइटम आ गए हैं। कितना अच्छा कलर आया है, एकदम बढ़िया तरीके से पक चुका है चीज बेस वेजिटेबल सब कुछ। ये हमारा पिज्जा है पनीर मखनी और ये है बर्गर पिज्जा। अब आगे के आइटम्स लगवाते हैं। हमारा अगला आइटम तोर्तिया बनने जा रहा है, रोल। तो ये उसके लिए तोर्तिया आया है, स्पेशल वेज रोल। उसके लिए तोर्तिया आया है, तो तोर्तिया आपने ग्रिल किया है बटर में, स्टफिंग करेंगे। तो ये स्टफिंग है, किस चीज़ की स्टफिंग है? ये आपके वेजिटेबल की है, मिक्स वेजिटेबल्स की। जी मिक्स वेजिटेबल, अच्छे से ग्रिल मतलब सॉस में टॉस की हुई है। जी अच्छा, तो ये बता भी रहे थे आसिफ भाई हमारे कि बहुत ही बेस्ट सेलिंग है। ये नमक, ये सॉल्ट आ गया है, अचारी सॉस। ये हमारी अचारी सॉस, अचारी सॉस आ गई है इसके ऊपर। ये हमारी आ गई पॉपुलर मिक्स वेज टिक्की। अच्छा, क्रश करके डालते हो? जी टिक्की इन्होंने क्रश करके डाल दी है। और ये हम इसके ऊपर जाएंगे हमारे चीज ब्लेंड। चीज ब्लेंड जी, चीज लिक्विड वाली चीज, बिल्कुल मज़ेदार। बस ये डाल के तो खाने का मन कर गया है पूरा। अभी रोल होगा, रोल कर देंगे अच्छा इसे। अच्छा अभी और ग्रिल होगा या रेडी है? अभी गर्म होगा। हमारी ड्रिंक बनने जा रही है लस्टी लाइम, जो हम पहली बार ही सुन रहे हैं, तो बनाइए भैया। ये इसमें ग्रीन एप्पल क्रश, ग्रीन एप्पल क्रश आ गया है। लेमन जूस डाल रहे हैं अच्छे से, फिर इसे मिक्स करेंगे। अब ये इसमें सोडा भी डाल रहे हैं साथ में, एकदम फिज वाला, एकदम देखिए कितना फिजी सोडा है। विदाउट फिज तो सोडा कोई फायदा ही नहीं है। ये ऊपर तक आ रही है तो थोड़ा वेट करके डालेंगे, फिर इसे अच्छे से मिक्स करोगे। स्लाइस डाल दिया और अब ये रेडी हो चुका है हमारा लस्टी लाइम। मेरे साथ आज यहाँ पे कुछ हैप्पी कस्टमर्स लग रहे हैं और इनका तो बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे टू हर। हाँ तो आपका ये आपका नाम? माय नेम इज इशिका। इशिका, सो आप आते रहते हो या फर्स्ट टाइम है आपका? सर बेसिकली मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। फर्स्ट टाइम, तो मुझे लग रहा है कोई ओकेजन है जैसा मैंने अभी बताया। अच्छा, तो सही प्लान किया आपने बिगीज आने का, क्योंकि मेरा तो वन ऑफ द फेवरेट जॉइंट है। और तो आपको कैसा लगा फर्स्ट एक्सपीरियंस आपका? मुझे बहुत अच्छा लगा, बेसिकली जो सब कुछ खाना पीना था वो बहुत ज़्यादा टेस्टी था। अच्छा, और यहाँ की मुझे सर्विसेज बहुत अच्छी लगी। और इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द बिहेवियर, सो मैम और सर का बिहेवियर दोनों को बहुत अच्छा था। ओके ओके, सो ओवरऑल नाइस। सो आप दोबारा आना चाहेंगे? ऑब्वियसली। सो आपकी रेटिंग? आई एम रियली इंप्रेस्ड। क्या? आई एम रियली इंप्रेस्ड। ओके ओके, सो आपकी रेटिंग क्या होगी आउट ऑफ 5? 4.5। चलो कोई नहीं, 0.5 काटने के लिए हम कुछ नहीं कहेंगे। ओके, एंजॉय कीजिए आप एंड हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। हमारे साथ एक और ग्रुप ऑफ कस्टमर्स हैं और उनका भी आज बर्थडे है, वन इन ब्लू। आपका नाम? हिमांशी का भी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे हिमांशी। और यहाँ पे एक और है, हेलो। तो आप लोग आते रहते हो यहाँ? तो आपको कैसा लगा एक्सपीरियंस यहाँ का? अच्छा है। सो सबसे अच्छा क्या लगता है यहाँ से? एनवायरमेंट अच्छा है, डेकोरेशन अच्छा है। नहीं, फूड में? फूड में पिज़्ज़ा ऑल पिज़्ज़ास। ओके, सो आपकी रेटिंग क्या होंगी? 10/10। 10/10। बस ये तो मुझे लग रहा है हर दूसरे दिन आती है। और आपकी? दूसरे दिन नहीं, लेकिन 10वें दिन आती है। आपकी क्या होगी रेटिंग? 9। आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो की टेस्टिंग में। तो आज हम, जैसे मैं बता रहा हूँ, बार बार बिगीज आए हैं, तो हमने यहाँ से बहुत सारे आइटम्स ऑर्डर किए हैं। यहाँ पे हमारे पास इनकी गार्लिक ब्रेड जो कि स्टफ्ड है,
मशरूम और कॉर्न्स से। यहाँ पे इनका एक रोल है, इनका वेजी रोल जो बहुत ही हैवी है, जो रोल्स हैवी नहीं होते बहुत हैवी रोल है, पता चल रहा है वो क्यों ही से पैसे नहीं कह रहे थे। यहाँ पे इनका एक न्यूली जो इन्होंने नया बिल्कुल इन्वेंट किया है अभी पिज़्ज़ा बर्गर, ये मतलब न्यूली स्टार्ट किया है सेल करना। यहाँ पे इनकी एक ड्रिंक लस्टी लाइम जो मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगा, जो मेरे को बहुत टेम्पटिंग लग रही है, साथ में मस्त है भाई। पिज़्ज़ा खाने आए हो तो पिज़्ज़ा ही खाएंगे ना, पनीर मखनी पिज़्ज़ा। तो आइए अब टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं, गार्लिक ब्रेड टेस्ट करने वाले हैं। ये देख सकते हैं आप, और ये देखिए कितनी लोडेड है अंदर, जैसे हमने मेकिंग में भी दिखाया था। तो आइए टेस्ट करते हैं। बहुत ही सॉफ्ट ब्रेड, ये कॉर्नर्स जो टाइट हो जाते हैं ना वो भी बहुत सॉफ्ट है, साथ में ओरिगैनो का पंच, गार्लिक का बढ़िया फ्लेवर और स्टफिंग। स्टफिंग का तो मैं क्या ही कहूँ, इतनी भर भर के स्टफिंग है। मजा आ गया, गार्लिक का पंच आ रहा है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट आइटम पर। नेक्स्ट आइटम इनका बहुत ही ज्यादा बेस्ट सेलिंग चीज, इनका वेजी रोल जो एक टॉर्टिया में सर्व करते हैं बहुत सारी स्टफिंग और पैटी के साथ। तो पहले मैं पेपर साइड कर लूं, नहीं बता सकता हूँ ये अच्छा क्यों होगा इसकी टॉर्टिया की। वो देखिए पतला टॉर्टिया है, अगर इस ये टॉर्टिया मोटा होता तो ये खाया ही नहीं जाता, बहुत कैड हो जाता, पर ये बहुत टेस्टी होगा मेरे को लग रहा है। मतलब मैंने बताया ना आपको, जो टॉर्टिया है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, जो इस रोल को और अच्छा बना रहा है। साथ में इनके चीज़ ब्लेंड की क्रीमीनेस, अचारी सॉस की किक और पैटी, क्रिस्पी पैटी और मिक्स वेजिटेबल्स जो क्रंच दे रही हैं, मज़ा आ गया। सब चीज़ें ऑन पॉइंट थी इनकी। साथ साथ जो ड्रिंक ऑर्डर किए वो भी तो ट्राई कर लें। एक लस्टी लाइम ड्रिंक है, कुछ यूनिक चीज़, यूनिक इसलिए ग्रीन एप्पल का क्रश है जो एक अलग ही स्वीटनेस प्रोवाइड करता है, और साथ में फिज और लेमन की खटास। मज़ा आ गया ड्रिंक, बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग है, तो टू गुड। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट आइटम पर। ट्राई करने वाले हैं बर्गर पिज़्ज़ा, ये देखिए एकदम सेसमी है, और जो वो बटर लगाया था ना ऊपर नीचे दोनों तरफ से टोस्ट हो चुका है बहुत अच्छी तरीके से। साथ में इसकी स्टफिंग दिखाएंगे, देखते हैं चीज़, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा वो स्टफिंग भी इस तरफ ही आ गई है और चीज़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो लेट्स ट्राई, बहुत अच्छा लगा मेरे को ये। अब इसमें मैं अगर, ये पहली चीज़ है जो मेरे को थोड़ी सी पुल अप डाउन लगी वो ये कि थोड़ा ज़्यादा फ्लैट है, इसमें स्पाइसेस उतने ज़्यादा नहीं है। जैसे गार्लिक ब्रेड में स्पाइस गार्लिक का पंच था, उसमें अलग ओरिगैनो सीजनिंग जो इन्होंने अपना स्पेशल मसाला लगा था वो बहुत अच्छा था। इसमें अलग टाइप की सॉसेज हैं जो इसे इंटरेस्टिंग बना रही है, पर ये थोड़ा सा ब्लैंड जा रहा है। इसे थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग करने के लिए आपको इन सीजनिंग्स की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि अब तक मेरे को इनके साथ नहीं पड़ी, तो ये मेरे को बहुत थम्स अप है। ये भी ऐसा नहीं है कि पूरा है, लेकिन मेरे को हल्का सा सीजनिंग्स में डाउन लगा। बाकी जो कम सीजनिंग्स वाला खाते हैं ना, थोड़ा मेलो डाउन फ्लेवर्स, उनके लिए जन्नत है ये चीज़। थिंग इज अबाउट दिस दैट सीजनिंग्स विच आर लैकिंग आउट, अदरवाइज दिस इज ऑल्सो गुड बर्गर, यू मस्ट ट्राई इट। बाकी इन चीज़ों के सामने तो थोड़ा, लेकिन गार्लिक ब्रेड यहाँ की मेरे को बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी, और रोल भी। अब चलते हैं मेन इवेंट पे, यानी लास्ट पिज्ज़ा पे। तो आइए चल, तो द ग्रैंड थिंग इज हियर, क्या लगता है चीज़ पुल आएगा? नहीं आएगा, ठंडा हो गया है, ठंडा हो गया हल्का सा, क्योंकि भाई हमारे लिए मेकिंग में यही दिक्कत हो जाती है। देख सकते हैं इन्होंने फ्रेश पैन बना, बेस है इनका, तो देखिए कितना सॉफ्ट है और साइड्स अप है, फ्रेश पैन में हमेशा साइड्स अप होती है, और देखिए कितनी सॉफ्ट ब्रेड है। तो भाई पहले पिज़्ज़ा को थोड़ा सजा तो ले, ओरिगैनो चिली फ्लेक्स डाल के, बिना उसके क्या मज़ा। तो हमारी पिज़्ज़ा की स्लाइस सज चुकी है पूरी तरीके से,
भाई हमारे इंडियंस को अगर ये किसी इटली वाले ने देख लिया था बहुत मारेगा, पर हमें पिज्जा ऐसा ही पसंद है और ऐसे ही खाना पसंद है। वो जो इन्होंने सॉस लगाई थी ना नीचे, उसका बिल्कुल पनीर मखनी जो कहते हैं ना सब्जी, वो फ्लेवर था उसका, और वो ही आ रहा है क्योंकि इन्होंने कैप्सिकम और अनियन डाली है, उनका क्रंच और वो उसके साथ बहुत अच्छे से मेलो डाउन हो रही है। और पिज़्ज़ा भाई मेरी फेवरेट चीज़ है, तो मैं तो बस एक बात कहूँगा, पिज़्ज़ा की शॉप है गार्लिक ब्रेड और पिज़्ज़ा जहाँ अच्छी मिल रही है ना वो बेस्ट शॉप है, आप जल्दी से जल्दी आए और ये सारी चीज़ें ट्राई करें, और स्पेशली इनका पिज़्ज़ा गार्लिक ब्रेड और रोल, और हाँ लस्टी लाइम भी, इसे साइड कैरेक्टर पर समझना है, बहुत ही रिफ्रेशिंग है आपका फ्लेवर बैलेंस करने के लिए, क्योंकि आपको आप सॉल्ट 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 खा रहे हो, फिर कुछ ऐसा रिफ्रेशिंग मिल जाए ना मज़ा आ जाता है। अब ये पीने के बाद ना इसका फ्लेवर और दुगना हो जाएगा, क्रस्ट ना बहुत सॉफ्ट है बहुत ज़्यादा। अब मैंने बहुत बोल लिया है, अब मैं ये सब ख़त्म करके तब मिलता हूँ आपसे। आज हमारा यहाँ का फूड रिव्यू बिग ईज़ का जो मुजफ्फरनगर में लोकेटेड है, साथ में इनका ये मेन्यू है, मैंने आपको इनकी प्लेसेस भी दिखा दी थी सारी, इसमें एक दो जगह और है शामली बढ़ौत इन जगहों पे ये रिसेंट ओपन हुआ है। और साथ में एक बात और बताऊं, ये अपना जो केक्स और पेस्ट्रीज है वो फ्रेश जो बनाते हैं बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे है, आप आगे सेलिब्रेट कीजिए अपने लव्ड वन का बर्थडे और सब कुछ, और साथ में आप इस वीडियो में से अपना फेवरेट पार्ट बताइए जो भी आपको फेवरेट पार्ट लगा हो, और यहाँ पे आइए जल्दी से जल्दी ट्राई कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे जैसे आपको पता है चैनल का नाम व्हाट एम आई डूइंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।